मैं तो हूं उठे टरबैन ते ना के आया तेनू तेरी याद ही बो खादी जांदी आई हैनी कहो श्री अद्धा घंटा हो गया तो मेरे कोल बैठी है भला जरी भी मेरे विच स्मेल आई है नहीं तेरे च स्मेल नहीं आई बल्कि मेनू तो खुशबू आई है डुब के मर जा इस कहो श्री दा 12 महीने नक बंद रहंदा नजले दी वजह तू ना इनू बो आवे ना खुशबू आवे ते तू जाके ना ला पसीने नाल भिज्जा खलोता है के तेरे च पसीने दी गंदी स्मेल आंदी है कि ना के ते चिट्टा सूट पा मिस्त्री करके रखे ही अंदर तू आ कार कड़छी दे नार वाली खड़ोती है मैं बकवास कीती जाना मैं उथे टरबाइन ते हुण ना के आंदा पिया पसीना नहीं है उंज कपड़े कदी चंगी गल तेरे मुंह चू ना निकली जवानी जब एक गल कीती आई अब परिश्ता करसा है तेरी धी उसी ते मेरा पोत्र उसी आज मैं वो गल पूरी कर दीती है मेहरबानी मैं लगता तो खुश कोनी है नहीं नहीं खुश है मैं अच्छा चलो अब्बू जी हाँ एक बारी और शहर ते आना दाना को जरूरी गाल करनी है हाँ जी लक्षिणा हुक्का छेक में गाल छोड़ मचवा दी सुन लो तू हुक्के दी तबाही चाहता है जेकर पैसे भरने होंगे फिर इतने आके शादी करनी है करनी है तेरी मां मूर्त करनी है अच्छा बड़ा समझ की कोशिश कर खर्चा फलक शेर करेगा शादी आपा करेंगे हाँ यानी के तू आप दे यार फलक शेर दी ददरी छिलाऊं मैं हाँ ये नहीं समझ तू वहीं कर फलक शेर नु खोतेर मैं उतर चल ना लगा ये बस जवाब दे छड़े आता ते आप जवाब दे दिसा चलो ठीक है मैं नु ऐ खुतरे ना जी मैं लाली माज नु खुतरे दी शाबाश चंगा मैं बुनल जाके गल करनी है तो बिचू फटी छटी नहीं लानी मैं तेन बेईमान नहीं किया ना ये हुण मैनू गल कीती मोड़ ना भी करी प्यार पे ओनू समझा छड्डे किसी होर बंदे नाल गल ना करे मैं उधरे दी पर तू एक बारी मैनू समझा छड्डा ना तो इतना काफी है हिचड़न की कोई जरूरत नहीं मैं हिचड़ता क्यों पिया मैं तो गल नहीं की है अच्छा तू जाके बंदे च बो मैं बुनल जाके गल करनी है बाय जाना बंदे च मैं भावा अब्बा की दे एड़ा अपना हां हां अपने अब्बे नु खच्चर लाए गए तू साथ लाए गए के वास्ते लाए गए ओ ए हुन खच्चर तू पूछ ना जाके ओए ओए मैंने तब्बे नाल कोई जरूरी काम खाई तब्बे नाल जाके काम कर मेरे सिर ते ना चाड़े मैं खांदा बैठा तैनु पता मैं खांदा पींदा पिया हां उस तू कोई बोले मैनु ओ चंगा नहीं लगदा मैं मुंह ते चमची मारता हूं बात का परा दाल चावल पकाएं दो बच्चा मैनु देचा मैं आके जाने दे तरफ ना कर मैनु अच्छा जानी हां चंगी भली ओथे गावन गा देती है ते की बनया तवानु मुस्कान ने परात पाड़ छड्डी है तवानु अगे मैं कई बार आखे हुंदा कदी कदी मर्दाना ताकत आ जांदी हां भूत ने किना सजे
सादगे तेनों इस गलू लिया चाचा आप निकी जी सलाह करनी हुक्म कर चाचा आ जेड़ा वलीमा करेंदा पिया ना पर कट्ठा कर चा मैं किवें कट्ठा करा इस तरह ने मेरी धूड़ निकल जासी तू आदा मशवरा मियां ते कोर रख दरअसल ना तू मेरी गल समझण की कोशिश नहीं करेंदा पिया भाई एक रोटी तो पकावनी पकावनी है भाई कट्ठा वलीमा पका ले से ना एक तो साड़ी रोटी बच जासी दूआ तेरी बिरादरी च ना निकल जासी और नहीं है मियाँ तू मैनू चाह चमका ना रोटी तो आज दो चाह तो ठीक है नहीं तो आपो आप कर लेने चलो ठीक हो गया मैं आपके प्यो नाल सलाह कर लवा उस तो बाद तेन मैं दस देना ठीक है माई जट्टा किवें पुसलांदी बैठी है भूख जो लगी खलोती है जाके रोटी खा ला मेरा पहले पेट खराब ही गया तो दाल चावल पके ने दाल मैं कोई नहीं खानी है मैनू घर जाके खिचड़ी बना दी चलो जी मैं कर ली सा किवें छोरी गाने गा गा ते थक गईया ने अब्बा पहले सारियां गावण कर दियां रहियां ते भूख चुकियां ने ते हुण वागियां रोटी खावण ते मेरा पुत्तर तुसी भी खाया हो असी ते नहीं ओ खाना खांदियां जेड़ा ओ पकाई बैठियां मरीज आणा दाल ते चावल अल्ले ते कराड़ी लिखा अस तक यो सत फाइव स्टार होटल ते जाते खौसा है तेरे आके फाइव स्टार होटल ते लेके जाणगे तू तो मैं सड़ के बोल दी अब्बू जी हां जी मैं फलक शेर नाल गल कीती है उन बड़ी कोशिश कीती मनावण दी उस मेरी हेक नहीं मनी उस मैंने ये आख्या आप रल मिल के हेक तरीके कर सकते हैं वलीमा अद्धा खर्चा मैं दे छोड़ो मोड़ तक टाकी मिला ले सा ये जो नहीं करें दे नहीं तो तुसी अपना संभाल लो मैं अपना संभाल लेना तू नु की आख्या है एक रोटी सार ली है हाँ हाँ मैं इवें आख्या कल बरात आंदी पई है मैं आप कट्ठी रोटी पका लेना लोगों के जहन इतनी आई जासी ना मैं कट्ठा वलीमा हो गई तू चुप कर बेवकूफ ने बच्चे आ मैं तेन आखा सी बे कल दी रोटी ओस करनी है ते परसों दा वलीमा भी ओस करना है ते न्योंदरा पचा ली सा अब्बा मोड़ मैंने पुट्टी समझ लगी हो सी ओनु खोतरन दे बजाय आप खुतरी के आ गई पुत्र तेरा गुनाह नहीं तू हलाल जानवर होंदा ते खुतरींदा खोता ही हो अकल दा ता खुतरी ते आ गई हां कुकी साहब जदों तुहानू जो पता है भी साडे प्यो पुत्रां च अकल पूरा सूरा ते आ माई जट्टा कोल कुसला ला लो बिल्लो ती मेरे कोलो कदों सलाह लंदे जे अगर मेरे कोलो घरों सलाह लैके आंदे ना ते अज फलक शेर गड्डियां दा किराया भी ते देंदा सानू तू की समझनी है कि मैं किराया माफ कर दे सानू अब्बा तू आप जाके गाल कर जी मैं गया ना मोड़ काम खराब हो जासी ते मैं आप जांदा रस तू भी चल ली मेरे नाल ते उठी मैं आप सोर नाल जाके गाल करनी है तुसी ता असील कुकर जेड़ा है ए मेरा है पर वेखी लाख लानत है क्यों नहीं मैं सदा से असील कुकर अब्बा मेरी मन तो तू रोला ना पा ए बड़ा चबड़ बंदा है चबड़े तो मैं हूं तो बड़ा चबड़ा हूं मैंने आखे से मैं लिटर मार सा ओ खुदा दा ना है ए लेदे दा कंडा ही चमोट गया सी तो जेड़ी दुनिया नहीं ना सुनया असील कुकर दे बारे तो ओ भी सुन ले से ए दफा हो जाओ मैं इथे जरूरी गल करदा पा असी दफा होंदा पे ਤਾਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੜ ਦੇਸਾਂ ਮੋੜੂ ਆ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਾਬਲੀ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਪਿਆ ਬਈ ਅਗਾ ਟੁਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੋਕਾ ਹੁਣ ਨਾ ਸੱਦੀ ਪਿਆ ਵੇ ਅਸੀਲ ਕੁੱਕੜੇ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਚਗਰ ਜੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਭੋਕਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਵਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਸੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚੱਲ ਦੋਸਤ ਆਂਦੇ ਮਗਰ ਲੈਦੇ ਤੇਰਾ ਚੰਬੜ ਜਾ ਸਨਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਕਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮਨਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਤੇ ਫਲਕ ਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾ ਸਹੀ ਚੰਗਾ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ ਸ਼ੋਕੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਬਈ ਨਿਉਂਦਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਵਾਉਣਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਗਲ ਮਾਰੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਉਂਦਰੇ ਤੇ ਬਵਾ ਲਿਸਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਨੂੰ ਬਵਾ ਸਾਂ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਖਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਵਾ ਲਿਸਾਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣੀ ਆ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਵੀਂ ਨਿਉਂਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ ਚੱਲ ਜਾ ओ मियां फलक शेर कल लवणी तुहाडी रोटी
फर्नीचर दी तू फटीक पाई है वो भी मैं बनवा के दे दिता है हुण फटीका मैं चाहवां यार ते मेरे ते सहन करदा पिया धीआं नूं हर कोई दिंदा रहिंदा यार वो गल ठीक है दिंदा रहिंदा साडा हक भी बनदा हा पर मैं गरीब बंदा मेरे कोई मिलां चलदियां पईआं जवाब करो नहीं तो मेरे वालों जवाब ने यार कुकी तू मैनू केड़े इम्तिहान च पा दिता यार यार ही तो यारां दा इम्तिहान लैंदे ने जिवें मैं तेरा इम्तिहान लई खोता करते फलक शेर ओ जन इन जन सा जी दा सिर सदका सही पका च रोटी सानु सदका ही आमीन है ठीक है मियां पका देने रोटी पकाओ अब बाकी पकावना मुर्गा ही पकाना पुत्त ते मोर असील कुकर पका सा लम्मी कलंगी वाला फलक शेर अपने पुत्तां दी जुबान रोक ले नहीं तो मैं लत बांध देनी है गल सुन मेरी मैं तोड़ियां सारियां मनियां हुन मेरे पुत्तर दी ख्वाहिश है भी असील कुकर पकाना ते मैं उहो पका सा हुन तू भी कित्ते जन्म ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਕਹੀ ਮੌਤ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਐ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮੰਗਾ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਰੇਲਰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਕਲੰਗੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕੜ ਖਾਣੇ ਆ ਅਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਅਛੋਰੇ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਅਗਾ ਤੂੰ ਅਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਪੈ ਲੈ ਤੂੰ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਛੱਡੀ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇੱਛਾ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਓ ਯਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ ਐ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰੋਕ ਓ ਯਾਰ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਰੋਕ ਲੈ ਸਮੀਆਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਚਲੋ ਤੂੰ ਆਖ ਚਾ ਅਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਪਕਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਂ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਸਤ ਰਬੂਦ ਉੱਤੇ ਚਾਚਾ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋੜਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਲਾ ਨੋ ਨੋ ਤੇ ਮਾਰ ਰੱਖ ਮਾਰ ਸਤੜੇ ਤੇ ਮਾਂ ਮੁੰਡ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਡੜੀਆਂ ਖਾਣਾ ਬਗਲਾ ਲਾਖ ਲੰਨਾ ਤੇ ਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਓ ਮੀਆਂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੋ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਦੋ ਅਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਪਕਾ ਦੇ ਸਕ ਓਏ ਆ ਵੇਖ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬੋਤਾ ਐ ਕੁੱਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੇਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਚਾਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੱਜ ਕਰ ਜਾਓ ਰੱਖ ਸਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਟੀਂਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਇੰਟਾ ਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਨੇ ਆਸੀਂ ਮੜਿਆ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਸੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਓਏ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜੋਂ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਰੋਕ ਲੈ ਤੂੰ ਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਓਏ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਪਕਾਲ ਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰੇਲਰ ਪਕਾਲ ਸਾ ਓ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਦਬਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਲ ਬਰੇਲਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਚਾਚਾ ਕੁੱਕੀ ਅਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਕਾਲ ਸਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੱਟਾ ਪਕਾ ਲੈਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਗਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਗੱਲ ਚਲਾਣੀ ਪਈ ਲੈ ਚਾਚਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਖਾਂਦੇ ਆਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਕਰ ਲਈ ਓਏ ਵੇਖ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਨਾ ਲੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਅਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਰ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈਏ ਓ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਾ ਲਓ ਮੈਂ ਛੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਲ ਮਦਰੋ ਚਲੀਏ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਘਟੁਰਸਾ ਚਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਏ ਇਹ ਖਲੋਤਿਆਂ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨੇ ਪਿਆ ਕੇ ਟੁੱਕਰਦਾਰ ਬਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਦੇ ਪਰੂ ਮਾਨ ਕੇ ਅਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਿਆ ਬਣਨੇ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਟਾਣਾ ਆਪਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਸਾਂ ਚਾਚਾ ਬਗਲੇ ਲੈ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਬੇਲੀ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਿਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਨਾ ਲੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਓ ਬੱਤੀ ਬਾਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਕੇ ਬੁਝਾ ਦਨੀਆਂ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲਾ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲਾ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਮਲਾ ਦੇਨੀਆ ਮਤਾ ਐਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਓ ਮਤਾ ਐਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਂਗੀ ਕੁੱਕੜ ਪਕਾ ਰੱਖਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਂਗੀ ਕੁੱਕੜ ਪਕਾ ਰੱਖਸਾਂ
नले देसी घ्यो रोटियां तला रखसा मैं तो ऐसे गड़ी ते उठ उठ चल गई इठो के सुआ जाया ओ जट्टी अब रिश्ता नहीं करना चली इठो ओहो होया की है बस रिश्ता नहीं करना चली आप इठो की गल उन्होंने रोटी नहीं दीती नहीं दीती रोटी चलिए ओ कुकी साहब क्यों बदनामी करता पया कौन आंदा नहीं दीती रोटी ई हरंबा जी आंदा पिया चुप कर दा थी बच्चिया तने सुनाया का है अबू जी मैं सुनाया लख लानत है बजा इन पर आटू अच्छा चल ले दफो जा कुकर जाइया हां हां वे खच्चर जाया जा कुकर दे खराक ते मैं बजावण ते लेंदा क्यों आया ओ मैं तन्नू फेर मार देसा कुकी साहब मेरी बच्ची दे रिश्ते दा सवाल है यार मेरी इज्जत दा सवाल है ओए बाजी गुस्से नु जानदा करो जी मैं चाचा फलक शेर आंदा पियो मैं कर ला चल कुकी जे को गल हो गई है उना कोलो ते गुस्से नु थुक दे अले फू लख लानत तेरे जम्मे ते सारा मुंह लबेड़ दित्ता मेरा दुर दुर दलील दी बच्ची ओ कुकी साहब रोटी भी मैं पकाना तेरी हर शर्त मंजूर है ते खुदा दा नाम मेरे दीदा रिश्ता छाड़ के ना जा मोड़ मेरे दो शर्तें हो रही केड़ियां नेउंदरा भी मैं लेना ठीक है ते घरे तेरे ने जाना इच्छा बस ठीक है मेनू मंजूर है जा तैयारी कर चलो शुक्र है अब्बा जड़ा तू मान गई एक तो मेनू मेरे प्यो दी समझ नहीं आंदी ओ पता भी है भी लालची बंदे ने दीदा रिश्ता तोन के देंदा पे जब के मैं लात मारने दी पूरी कोशिश कीती खोद काओ साहब किने गल्ला करदे पए ने अपने आप ना गल्ला करदा पे लेट ना कर तेरे चेहरे ते नूर जेड़ा है जल्दी तू जल्दी आ तू बेफिक्र हो जा मैं होने नबेड़ लेंगे मेरे पुत्र गाल सुन बड़ी मुश्किल नाल मैं कुकी नु मनाया तू नहीं कर शाम दी रोटी दा इंतजाम कर ले हां मैं आज थोड़ा जा इंतजाम करके उस तो पीछे आया आप रोटी दा खुला इंतजाम कर देंगे शाबाश मेरे पुत्र भाई करता हां की हाल है ठीक ठाक है देखना मुंह फेरी खड़ता है मेरे और मैं औलाद दी जाब जा हां और मैं ओ शख्स हां जेड़ा आधे पियो नु मिन्नत करके तुम्हारे को गले है जा जो आंदे इना दी मान ला ओ मेरा पुत्र ओ बड़ियां दा अदब करना सीखो ओ मैं ते इंज लगदा है जिवें तुम्हारे खानदान च अदब वाली गल ही कोनी हां मेरा पियो सही आंदा पिया जेड़े साडे वडेरे आन ना जेड़े अगे हुंदे ने राजे महाराजे ओ आप दी औलाद साडे कोल गुलंद आन सिर्फ अदब सीखण वास्ते ते तुम्हारे ते रत्ती अदब दी काज नहीं कलाम सुना दी ना तेरे पैर थोड़ा जमीन निकल जाए सुनाओ मुड़ सुन जिकी डिग्री दे वेले पानी मज्जी ने पिवाया कौन ने लिखल गई मैं ना कमाल हो गया बहुत सोना लिखया है पर एक होर गाना है वो भी मेरा ख्याल तुम्हारे ही किसी खानदान के बंदे ने लिखया है वो अपना हाँ सवेर दे नाल उठी के जड़ा बांग नहीं दिंदा परिंदा असील कुकड़ तो चाचा जी सही दस दी पई लख लानत है दलील दी बच्ची है तेरे ते मैं निभा रहना असील कुकर खवा था घर दे जांदा ते तुहाडे आप दे मुंह चो आवाज निकलनी है जनाब असील कुकर खादी जाओ कुकर साहब अच्छा एक मिनट गल तो सुन हाँ मेरा सेल कुकर खरीद चंगा जी ना
मैं सोच भी नहीं सकता सी कि तू इन्नी घटिया हरकत करेगा। ओ बहन दा होया हुआया रिश्ता तू खराब कीता। ओए अब्बा चंगा कीता जेड़ा खराब कीता है। ओ जेड़े लालची लोग हैं आज उन्हें दी इज्जत करके उन्हें मैं बहन दा रिश्ता दे देवा सारी जिंदगी मेरी बहन उन्हें नबूवत रहंदी रहेगी। ते उन कोश ता सोच ओ जबू है तू ठीक के चले गया ते तेरे बहन ना शादी कौन करेगा? मेरी बहन ना मेरा यार जग्गा शादी करेगा जेरा मेरी भी बेलौस इज्जत करता है तो आदी भी बेलौस इज्जत करता है। अब्बा भाई राम जी सही आंदा पे जेड़ा रिश्ते दी लालच ते बनियाद होवे ना कदी तोड़ नहीं चढ़दा। ठीक आंदी पिए मेरी थी इस दुनिया ते इंसान लालच चाह के इंसानियत नु भूल जांदा है। ओनू ए नहीं पता के ए लालच उसनु एक दिन मिट्टी च मिला देगा। ओए बंदे नहीं है जिन्ना दे घर च खर्चा तोड़ पड़ा के मैं उना दी हर जरूरत पूरी करन दा आज साडी दी वेख ना बैठी है रोंदी। चुप कर जा जन्नत उन्होंने आधी असलियत दिखाई है। इसे मौके ते मियां मोहम्मद बख्श साहब ने लिखा है नीचे दी अशनाई कोलो फैज किसे ना पाया किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। ऐसी मजीद फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रचनावी टीवी को सब्सक्राइब करें।